मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा आत्मा को परमात्मा बनाने वाली कीचड़ में भी कमल खिलाने वाली इस आसार और नश्वर संसार में आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ाने वाली मिथ्यात्व के अंधकार में प्रकाश की ज्योत जगाने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। अपने प्रभु महावीर की बाल लीलाओं में प्रवेश करें उससे पहले एक गीत के माध्यम से हमारी जिनवानी हमें क्या संदेश देती है, या यूं कहूं जिनवानी का क्या सार है। प्रभु महावीर की कथा जीवन की समस्त व्यथाओं का समाधान है। वो कथा ही क्या जिससे हमारी व्यथा यानी दुख और दर्द का समाधान ना हो। कथा कथा है लेकिन जो दिल से सुनता है उसकी व्यथा मिटती है, और जो दिमाग से सुनता है वो कहीं ना कहीं व्यथाओं को इकट्ठा कर लेता है। कथा वही है। डूब करके सुनता है चिंतन के सूत्र मिलते हैं, दिमाग से सुनता है तो चिंताओं के रास्ते निकलते हैं। ये श्रोता पर ही डिपेंड करता है। कि कथा से क्या सार निकाल रहा है। आपने कभी सोचा तीर्थंकरों का जन्म राजघराने में ही क्यों होता है? ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। बड़ी विचारणीय एक प्रश्न है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं इनका जन्म राजघराने में ही क्यों होता है? किसी के पास जवाब? नो नो वर्षिद ये देखिए, एक आम इंसान में, एक विशेष इंसान में और एक महान व्यक्ति में अंतर है। ये तीन शब्द बोले मैंने, और तीन ही शब्द बोल रहा हूं। एक शब्द है निर्वाह, एक शब्द है निर्माण,
और एक शब्द है निर्वाण, जो आम इंसान होता है ना वो निर्वाह करने के लिए पैदा होता है। निर्वाह भाई कमाना खाना, कमाना खाना, इसको निर्वाह करना बोलते हैं। निर्वाह समय बिताना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढना। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करना, कुछ ना कुछ प्रयास करना, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना, उसको हम निर्वाह करना बोलते हैं। निर्वाह हम भी किसी से पूछते हैं, कोई आम आदमी है तो कहते कि कैसा गुजर जी, निर्वाह हो रहा है, गुजर रहे दिन, मेहनत करते हैं, खाते हैं, इसको निर्वाह करना बोलते। जब आदमी के पास दो पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर निर्माण की सोचता है, मैंने मकान बनाना है, मैंने फैक्ट्री बनानी है, मैंने दुकान बनानी है, ये निर्माण की सोचता है। जब दो पैसे आते हैं तो निर्माण की सोचता है कि मुझे ये करना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, बनाने की सोचता है, उसे निर्माण कहते हैं। लेकिन जिनका जन्म ही राजघराने में हुआ है, जिनके पास कुछ भी कमी नहीं है, वहां से निर्वाण का रास्ता निकलता है। निर्वाण यानी निवृत्त होने का रास्ता, क्योंकि ना तो उनको कोई निर्वाह करना है, ना तो उनको खाने कमाने की चिंता है, और ना ही कुछ बनाने की चिंता है। उनके पास एक ही रास्ता बचता है, जिनको तीर्थंकर बनना है, मैं उनकी बात बोल रहा हूं। जिनको तीर्थंकर होना है, जन्म से ही वो निवृत्ति की तरफ जाते हैं। निवृत्ति, अगर कुछ प्रवृत्ति करते हैं, कुछ शरीर का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भोगावली कर्म का उदय होता है। वो भोगावली कर्म की वजह से ही शरीर का उपयोग करते, लेकिन उसका उपयोग करते करते भी उससे निवृत्त होने की प्रतीक्षा करते कि ये मेरा काम कब खत्म हो और मैं यहां से फ्री हूं। वो काम करते करते भी निवृत्ति का ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो जो जिन जिन के साथ मेरा संयोग लिखा है, जो जो कार्य मुझे करने हैं, मैंने वो सभी काम करने हैं, लेकिन वो कार्य को निपटाने के लिए काम करता है। हम काम जमाने के लिए काम करते हैं, है ना, मेंटेलिटी में ही अंतर आ जाएगा ना। हम काम जमाने के लिए, बस दो पैसे और आ जाए, दो और कमा लूं, वहां ऐसा नहीं है, वहां निवृत्ति के लिए काम करते हैं। निवृत्ति, मेरे जिम्मे जो जो काम है उसे मैं काम पूरा करूं और मैं फ्री हूं। एक व्यापारी होता है, एक नौकरी वाला होता है, तो दोनों की मेंटेलिटी में चेंज तो होता है, काम तो दोनों ही करते हैं। काम, व्यापारी भी काम करता है, नौकरी वाला भी काम करता है, लेकिन नौकरी वाला क्या सोचता है, कब मेरा काम पूरा हो, कब मेरा टाइम हो पूरा और मैं चलूं। और जो व्यापारी होता है, जब सोचता है जब सीजन का काम हो, उनको तो सीजन के टाइम में तो गुरु महाराज भी याद नहीं आते, उन्होंने कहा महाराज आप अपना काम करो। और कई लोग तो ऐसे भी है, सीजन नहीं होता तो भी नहीं आते,
मेरा मंत्री जी बोल रहा था कि इस ऑनलाइन की वजह से कई घर बैठे सुन लेते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं ये व्यवस्था केवल उनके लिए है जो बुजुर्ग हैं, जो आ नहीं सकते। नहीं तो महावीर की कथा जिस आंगन में हो रही है उस आंगन में आकर ही उस कथा का आनंद लेना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आप में से प्रतिदिन कथा तो सुनते ही हैं, लेकिन ये भाव नहीं आते कि मैं दो जनों को प्रेरणा दूं या तीन जनों को प्रेरणा दूं, क्योंकि यहां से जाते आप अपने काम में मस्त हो जाते हो। आप अपनी रसोई में, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई खेलने में, कोई बुलाने में, कोई खिलाने में, कभी भी याद आता है या दो तीन चार बंदों को प्रेरणा दे ही दूं। ये देखिए, प्रेरणा देने से भी तीर्थंकर गोत्र का उपार्जना हो सकती है, तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कि चलो भाई महावीर की कथा महावीर भवन में सुनेंगे, स्वयं भी आना, औरों को भी प्रेरणा देने का भाव रखना। मरीचि ने यही काम किया था, अगर याद हो आपने, जो कोई भी उनसे प्रभावित होता था सभी को काम भेजता था भगवान के दरबार में, भगवान ऋषभदेव के पास जा, सबको वहीं भेजता था। कहीं ना कहीं ये चीज, क्योंकि जो प्रभु महावीर इसी कथा को, कोई राम कथा होती, कोई भागवत होती, तो भागवत से जुड़े हुए लोग सोचते कि नहीं उसी आंगन में जाएंगे हम, लेकिन लगता है मुझे कभी कभी महावीर आपके लिए कानों का विषय है, हृदय का विषय नहीं है। जब ये आपके प्राणों का विषय बन जाएगा, एक अंतस चेतना से जुड़ जाएगी ये कथा, तो कदम अपने आप लपकेंगे। और प्रवचन में आना, प्रवचन को यहीं पर सुनने का भाव रखना, यह भी एक निवृत्ति का रास्ता है। कभी मन में भाव आते कि मेरा घर का काम निमटे और जो बचा मैं बाद में कर लूंगा या कर लूंगी पहले, यह निवृत्ति का रास्ता है, क्योंकि ये महावीर की कथा निवृत्ति की कथा है, ये निर्वाण की कथा है। तो कभी कभी सोचा करो कि तीर्थंकरों का जन्म राजघराने में इसलिए होता है उनको कुछ निर्माण नहीं करना और ना ही जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि मजबूरी नहीं है उनके पास। वो धीरे धीरे निवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं, इंतजार करते वो कि कब हमारी ड्यूटी पूरी हो और कब हम अपनी आत्मा की शरण ग्रहण करें, शरीर और संसार के कार्यों से कब मैं निवृत्त हूं, कब मैं अपनी आत्मा के ध्यान में प्रवेश करूं, मैं आत्म रमन करूं, आत्मा की ओर गमन करूं। आत्मा की ओर गमन करना यानी मुक्ति की तरफ जाना, शरीर और संसार की तरफ गमन करना यानी संसार की तरफ जाना, यही एक अंतर है। जब हमारे लिए शरीर और संसार महत्वपूर्ण हो जाता है तो कोई ताकत नहीं है हमें उस संसार से उबार सके, यहां तक कि तीर्थंकरों की भी ताकत नहीं है। लेकिन मैं जब तीर्थंकरों के जीवन की तरफ झांक करके देखता हूं, आह्लादित होने लगता है मन। क्रिया तो हम भी करते हैं, क्रिया आप भी करते हैं, क्रिया यानी शारीरिक काम, काय से जुड़ा हुआ काम क्रिया कहलाता है। शरीर और संसार का काम हम भी करते हैं और आप भी करते हैं, लेकिन हमेशा एक लक्ष्य आत्मा की तरफ भी रखना चाहिए। आत्मा की तरफ लक्ष्य रखने का मतलब है
कि तुम्हें शरीर के साथ साथ आत्मा की भी चिंता है, और जो आत्मा की तरफ ध्यान रखता है वो परमात्मा से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, परमात्मा से अपने आप जुड़ता चला जाएगा। मैं क्या बताऊं, दो चीजें देखना आप, पानी के अंदर मछली भी रहती है और पानी में नाव भी रहती है, दोनों पानी के बिना, बताओ नाव पानी के बिना चल सकती है? दोनों ही पानी में है, नाव भी पानी में है, मछली भी पानी में है, लेकिन दोनों की जीने की पद्धति में बड़ा अंतर है। मछली पानी के बिना मर जाएगी। तो हम लोग जो है मछली की तरह रहते हैं इस पानी के अंदर, किसकी तरह, मछली की तरह रहते हैं, थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकल छटपटाट लग जाती है ना, आपने चेक कर लेना, एक घंटा पार करना मुश्किल हो जाता आपका, ऐसे लगता जब मछली तड़फने लग गई, हाय मैं घर के बिना कैसे रहूं, दुकान के बिना कैसे रहूं। आप कभी भी चेक कर दीजिएगा, कभी भी अपनी मेंटेलिटी को चेक करना, कभी भी कि जाप भी सिलेक्टेड टाइम पर करना पड़ता है, नुके जो महाराज बोला है उसी काम में पूरा कर दियो बस। तुम तो खुद तो टेंशन में रहो ही रहो, हमें और टेंशन देते हो, हमें टाइम पर छोड़ने की चिंता, और हमें भी मालूम है टाइम पर नहीं छोड़ेगा, टाइम पर नहीं छोड़े तो कल इन्होंने हमें अपने आप ही छोड़ देना है, इसलिए कितना एक एक आंख तो मेरी घड़ी की तरफ लगी रहती है केवल तुम्हारे लिए। मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, पानी में रहती है और नाव पानी पर रहती है, बस। क्या अंतर आया, मछली पानी में रहती है और नाव पानी पर रहती है, इसीलिए वो नाव दूसरों को भी पार ले जाती है, क्योंकि वो पानी पर रहती है, पानी में नहीं रहती। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो संसार पर रहते हैं, संसार में नहीं रहते, वो मछली की तरह नहीं है, वो नाव की तरह है, इसलिए उनको बोला है तिन्नानम तारियान, तारण तीरण जहाज, ये विशेषण है तीर्थंकरों के, ये विशेषता है मेरे तीर्थंकरों की। और ऐसी अद्भुत कथा का आप आनंद ले रहे हो, महसूस करो, तो अरबों की दौलत भी इस खुशी को दे नहीं सकती जो आपको फ्री में मिल रहा है। जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं अदा करना पड़ता। जय हो। तो आप देखिए, कहते कि जैसे मिश्री के अंश अंश में मिठास होती है, अंश अंश में, मिश्री को कहीं से भी चखो आप वहीं से मिठास, मिश्री के अंश अंश में मिठास रहती है, वैसे ही महापुरुषों के प्रत्येक स्पंदन में, प्रत्येक उच्छ्वास निश्वास में, आते जाते श्वास में, श्वासोश्वास में, प्रत्येक स्पंदन में, प्रत्येक श्वासोश्वास में कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई शिक्षा छिपी हुई रहती है। यह महापुरुषों के जीवन की विशेषता बतला रहा हूं। मिश्री के प्रत्येक अंश में जैसे मिठास है, महापुरुषों की जीवन शैली में, जीने के तरीके में भी एक प्रेरणा छुपी हुई रहती है, एक शिक्षा छुपी रहती है, लेकिन यह शिक्षा केवल वही प्राप्त कर सकते हैं
जो महावीर, जो महापुरुषों के जीवन को तटस्थ होकर के देखते हैं, जो महापुरुषों के जीवन को उनमें डूब करके देखते हैं, उनकी हर क्रिया में कहीं ना कहीं वीतरागता की झलक मिलती है। मैं बड़ा अचरज में पड़ा था जब मैंने गीता में एक शब्द पढ़ा कि मैं खाते हुए भी नहीं खाता, मैं ये योगियों की पहचान बतला रहा हूं क्योंकि वो भी एक योगी हैं, श्री कृष्ण। ऐसे ही वो तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना नहीं की उन्होंने, कोई ना कोई वजह रही है। और उनको कहीं कर्म योगी भी कहते, कहीं ज्ञान योगी भी कहते हैं, कोई योगी राज भी कहता है, कोई नटराज भी कहता है। नाचते हैं तो इस ढंग से नाचते हैं कि आत्मा को, शरीर को थिरकाते थिरकाते शरीर की थिरकन के अंदर आत्मिक स्पंदनों का अनुभव करते चले जाते। वो कहते हैं कि मैं खाते हुए भी नहीं खाता, मैं पीते हुए भी नहीं पीता, मैं सोते हुए भी नहीं सोता। वजह तो है कुछ, क्योंकि जो निवृत्ति के लिए चला हुआ है, समझ रहे हो आप, वही जैसे नाव पानी पर रहते हुए भी पानी में डूबती नहीं है, मछली डूबती है, बस यही अंतर है। यहीं से ही चेक कर लेना आप, यहीं से इस चीज को उठा करके रख लेना। संसार में हम भी रहते हैं, संसार में महापुरुष भी रहते हैं, लेकिन महापुरुषों के रहने में और हमारे रहने में, उनके जीने में और हमारे जीने में यही एक अंतर है। हम महामोहनीय कर्म के उदय में हमेशा रहते हैं और वो मैत्री भाव की वजह से रहते हुए भी संसार से उपरत रहते हैं। ये उनकी निवृत्ति का पथ है। देखिए ना आप, भगवान महावीर तीन ज्ञान के धारी हैं। उनको हर भाषा का ज्ञान है, हमें तो सीखना पड़ता है, उनको सीखना नहीं, उनको हर भाषा का ज्ञान है, हर व्यवहार का ज्ञान है। भाषा का ही नहीं, व्यवहार का भी ज्ञान है उनको, क्योंकि तीन ज्ञान के धारी हैं वो। उनको हर भाषा का ज्ञान है, हर व्यवहार का ज्ञान है और आत्मा का अनुभव है उनके पास, क्योंकि एक ज्ञान उनका आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञान है। हमारा तो मति और श्रुत है, हमारा तो अनुमान पर चलता है, अनुमान अनुमान, क्योंकि इंद्रियों से जुड़ा हुआ ज्ञान है हमारा, मति और श्रुत है। और इनको, इस ज्ञान को हम प्रोक्ष कहते हैं, आत्मा से डायरेक्ट नहीं है ये, इनको इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। आंखों से आंख का ज्ञान होगा, मतलब नाक से नाक का ही ज्ञान होगा, सुगंध और दुर्गंध का पता हमें नाक से ही चलेगा, जितने भी रंग है, जितने भी कलर्स हैं, उनका ज्ञान हमें आंखों से ही हो सकता है, और जितने भी प्रकार के स्वाद हैं, उन स्वाद का परिचय हमारी जबान से, इस जिह्वा से, इस रस इंद्री से ही पता चलेगा। ये गर्म है, ये ठंडा है, ये हल्का है, ये भारी है, इसका पता हमें स्पर्श इंद्री से, छू करके पता चलेगा, छू करके पता चलेगा। शब्द कड़वे हैं, मीठे हैं, कटीले हैं, जहरीले हैं, और ये टॉन्ट है या रसीले शब्द हैं, इन शब्दों को केवल सुनने से पता चलेगा। और कोई आदमी मजाक कर रहा है, शब्द बड़े मीठे बोल रहा है, लेकिन पीछे क्या उसने घात लगा रखा है, हमारे पास नहीं होता। जो भोले भाले इंसान होता है वो नहीं पता चला पाते कि बंदा किस अंदाज में बोल रहा है, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर एक ज्ञान सीधा आत्मा के से जुड़ा हुआ ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि तीसरे ज्ञान से लेकर के पांचवें ज्ञान तक आत्मा का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है, प्रत्यक्ष ज्ञान में, वो परोक्ष ज्ञान में नहीं आता, वो इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है।
अवधि ज्ञान के लिए इंद्रियों का होना जरूरी नहीं है, मतलब इंद्रियों का होना जरूरी है लेकिन उसका उपयोग करना जरूरी नहीं है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, आंखें तो इतना ही देख सकती हैं, लेकिन अवधि ज्ञान से तो आदमी यहां से बैठे स्वर्ग भी देख सकता है, नरक भी देख सकता है, और जितनी उसकी एक सीमा है उस दायरे को वो देख सकता है। आंखों की एक सीमा है, इंद्रियों की एक सीमा है, आपको दुर्गंध या सुगंध जो भी आने वाली है उसकी एक सीमा है, वहां के बाद नहीं आएगी वो, समझ रहे ना। दृश्य भी हम एक सीमा तक ही देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा हम लेंस के द्वारा और दूर तक का देख सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसके आगे वो भी नहीं जाओगे आप। लेकिन अवधि ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, कितने भी पर्दे आ जाएं, कितनी भी दीवारें आ जाएं, हमें सब कुछ बोलो, क्योंकि वो ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो रहा, वो ज्ञान आत्मा से। मन है प्रयोग ज्ञान, ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है, और केवल ज्ञान तो है ही, उस ज्ञान में तो सभी ज्ञान समा गए। तो तीन ज्ञान के धारी होने के बावजूद भी, और देखिए बालक के रूप में प्रभु महावीर जी रहे हैं, अभी तो छोटे हैं, अभी तो गोद में ही है, और आपको मालूम है भगवान को खिलाने के लिए, गोद में खिलाने के लिए कभी कभी इंद्राणियां भी आया करती थी और रिक्वेस्ट किया करती थी त्रिशला माँ से, थोड़ी देर हमें भी देओ ना। तो इंद्राणियां, देवी देवियां आती थी, पालना झुलाती थी, खिलाती थी, बड़ी बड़ी सेठानियां आती थी कुंडलपुर की महावीर को गोद में खिलाने के लिए। और मालूम है जिस वक्त वो गोद में खिलाती थी भगवान महावीर को, बालक वर्धमान को, जो भी वर्धमान को खिलाती थी, तो उनके शुभ परमाणु इतने जबरदस्त हुआ करते थे, ओए होए होए, शरीर में रोमांच हो जाता था। और आपको गहरी एक और बात बताऊं, दास और दासियां भी वहां पर काम करती थी, तो गोद में लेटे 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 लेटे, मां की गोद में लेटे लेटे, पल्ले में झूलते झूलते, वर्धमान बालक दास दासियों की तरह इशारा करते थे, आओ आओ, मां को भी कहते थे इनको मुझे इशारे से, हाय, इतनी गोदों से गुजर रहे हैं वो, इसकी वजह क्या रही होगी बताओ। इसकी वजह यह रही है कि मैं किसी एक गोद में नहीं रहूंगा, पहली बात ये, एक गोद से नहीं जुड़ूंगा, और दूसरी बात ये, जिस गोद में भी वो गए कभी रोए नहीं, नहीं तो बच्चा, जैसे गोद चेंज होती है तो कईयों को, बच्चे को समझ में नहीं आता, या बच्चा रोने लग जाता है अनजान गोद में, या अनजान आदमी के पास जाने में बच्चा डरता है, अपनी माँ के पास बहुत जल्दी से दौड़ करके जाता है, जिसको वो जानता है उसके पास दौड़ करके जाता है, लेकिन भगवान महावीर अनजान में गए, किसी के भी पास गए, यानी गोद से गुजरते गुजरते भी एक संदेश दिए जा रहे हैं कि कोई गोद से मैं बंधने वाला मोह नहीं है, अमोह है वो, इतने गोद से गुजरे हैं वो, लेकिन चिपके किसी के साथ नहीं। दूसरी प्रेरणा यह दी कि मुझे चाहे इंद्राणी उठाए, चाहे सेठानी उठाए, चाहे नौकरानी उठाए, मैं सभी की गोद में मुस्कुराने वाला हूं। जय हो, वाह मेरे प्रभु, एक तुम ही तो हो जो व्यक्ति को उसके स्टेटस से नहीं देख रहे हो, उसके वस्त्रों से नहीं देख रहे हो, उसका क्या दर्जा है उससे नहीं देख रहे हो, आप केवल उसको उसके भावों से देख रहे हो। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं आप लोगों को, दान करने के लिए दौलत चाहिए, राइट, दान करने के लिए दौलत चाहिए,
लेकिन प्रेम करने के लिए क्या दौलत की जरूरत है? धन जो आता है ना पुण्य की वजह से आता है, पुण्य होगा तो ही धन आएगा, राइट? लेकिन धर्म के लिए पुण्य की जरूरत नहीं है, धर्म के लिए तो केवल भाव की जरूरत है। जिसके भाव निर्मल हैं, चाहे वो झोपड़ी में भी क्यों ना रहता हो, झोपड़ी में रहने वाले के पास भी धन धर्म आ सकता है, धर्म कर सकता है, प्रेम कर सकता है। झोपड़ी वाला भी प्रेम कर सकता है, महल वाला भी प्रेम कर सकता है, तो झोपड़ी वाला भी प्रेम कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि पुण्य के जरिए हमको ताकत मिलती है, पद मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन भाव में जो निर्मलता आती है वो धर्म की वजह से आती है, भाव में जो पवित्रता आती है वो धर्म की वजह से आती है, और धर्म कोई भी कर सकता है। असाधु जीवन तो धन पद सब कुछ त्याग कर ही हम संत बन पाते हैं। तो धर्म के लिए धन जरूरी नहीं है, मेरे कहने का भाव यह है कि धर्म के लिए धन जरूरी नहीं है। आप देखिए, औषध का दान, दवाई का दान पैसे वाला दे सकता है, लेकिन अभय दान तो कोई भी दे सकता है। अभय दान जिसको हम समाई कहते हैं, ये समाई है क्या? छह काय के जीवों को अभय दान देने की एक प्रक्रिया, कोई भी दे सकता है, गरीब से गरीब भी दान दे सकता है, अभय दान तो कोई भी दे सकता है। इसलिए भगवान ने रास्ता जो बतलाया धर्म का, अद्भुत बतलाया। अब बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, यहां तक कि देवलोक से भी वर्धमान के लिए खिलौने आ रहे हैं, खिलौने, गजब गजब के खिलौने, क्योंकि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ खिलौने ला ला करके दे रहे हैं, और उन खिलौनों के साथ वर्धमान अकेला नहीं खेलता है, सभी को बुला लेता है, आंगन बहुत बड़ा है, और शाम के वक्त जब गांव के बच्चे, यहां तक कि सेठों के बच्चे, गरीब के बच्चे, दास दासियों के बच्चे उन खिलौनों को देखते, तो वर्धमान उनकी आंखों को देख लेते थे कि किस बच्चे को कौन सा खिलौना पसंद आया है। तो शाम को जाते वक्त वो खिलौना ले जा। नहीं तो आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपनी चीज किसी को बताओ, अरे तूफान मचा देते। अगर बाई चांस किसी बच्चे का खिलौना दूसरा बच्चा उठा भी ले तो पांव पटकने शुरू। आप ये देखिए, कभी कभी बच्चों का मन कितना छोटा हो जाता है, एक चीज शेयर नहीं कर सकते वो। अगर कोई किसी माँ बाप दे दे किसी और को, तूफान मचा दे, लेकिन वहां तो खुद वर्धमान, क्या चीज है ये, निष्प्रियता है, ये अपरिग्रह का संदेश है बालकपन में दे रहे हैं कि कोई भी खिलौना, क्योंकि वो खिलौनों से खेलते हैं दिल बहलाने के लिए नहीं, उन बच्चों के साथ इसलिए खेलते हैं कि मेरी वजह से ये भी खेल लेंगे, उनका दिल रखने के लिए खेलते हैं, सबको प्रेम बांटने के लिए खेलते, एक छोटा सा बच्चा। जब वर्धमान 5 साल के हुए तो एक घटना घटित होती, त्रिशला मां अपने श्रृंगार भवन में अपने बालों में गजरा लगा रही थी, और गजरा फूलों का होता है, फूल लगा रही थी, वर्धमान आ गए, वही 4-5 साल का, और मां को हाथ हिलाया, आंख से आंख मिली त्रिशला की ओर वर्धमान की, क्या है मां ये क्या कर रही हो, गजरा लगा रही हूं,
ये कहां से आया, किससे बना, कि बाघ से आया, फूलों से बना। हे मां, तुझसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानना, अगर तेरे इस बेटे की गर्दन काट के कोई महिला अपने बालों में सजाए तो तुझे अच्छा लगेगा? इतना सुनते ही त्रिशला के हाथ वहीं के वहीं रुक गए और हाथ वर्धमान की जबान पर आकर के होठ बंद कर लिए। कहा कि बेटा ये क्या बोल रहा है, तू क्या कह रहा है? हाँ मां, ये फूल भी किसी वृक्ष का चेहरा है, गर्दन है। हमारी शोभा इस चेहरे की वजह से है, ऐसे किसी भी वृक्ष की शोभा उसके फूल की वजह से। मां, ये प्रकृति की सौंदर्य है, तुम मां हो मां, और एक मां जानती है अपने बच्चे का चेहरा कितना मूल्यवान होता है। हे मां, तुझे किसी वृक्ष रूपी मां की याद नहीं आती कि उसके बच्चे का चेहरा उतार के तो अपने बालों की शोभा बढ़ा रही है? होए होए, एकदम फूल नीचे गिरा दिया, वर्धमान को गले लगा लिया और एक बात कही, आज के बाद बेटा मैं किसी फूल को तोड़ूंगी। तू इतनी गहरी बातें कैसे करता है? मां, हर चीज में जीव होता है, मुझे कोई कष्ट दे तो तुझे भी कष्ट होगा क्योंकि मैं तेरा बालक हूं। तो प्रकृति के जितने भी ये फूल हैं, ये उनके बालक हैं। तो मेरी बहनों, मेरी माता, आप लोग भी कभी कभी अपने श्रृंगार के लिए हिंसक हिंसा से बने हुए सौंदर्य प्रसाधनों का भी आप इस्तेमाल कर जाते हो, लेकिन महावीर की कथा को अगर तुम समझना चाहते हो, क्योंकि जो तुम्हारे श्रृंगार के प्रसाधन है, फूल तो केवल एकेंद्री जीव है, लेकिन आपके सौंदर्य प्रसाधन ऐसे हैं जिन चीजों के निर्माण के लिए पंचेंद्री जीवों तक का वध होता है। तो कभी भी सोचिएगा, कभी विचार कीजिएगा कि केवल शरीर को सजाने के लिए। इसलिए कहता हूं कि परमात्मा ही प्रेम करता है, हम तो केवल पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे प्रेम में और परमात्मा की पसंदगी में, प्रेम में बड़ा अंतर है, क्योंकि वो प्रेम करता है तो पूरी सृष्टि में फूल खिला देता है और हम जिसे पसंद करते हैं उसको बोलो बोलो तोड़ लेते हैं। जो भी हमें पसंद आता है उसे हम तोड़ लेते हैं। फूल पसंद आया, फूल तोड़ दिया, कोई पक्षी पसंद आया उसे पकड़ कर पिंजरे में डाल दिया, कहीं ना कहीं हम बांध लेते हैं किसी को। यही फर्क है, मोहनीय कर्म बांधता है, प्रेम खिलाता है, मैत्री भाव खिलाता है। ये संदेश महावीर की कथा, और भी बड़ी गहरी गहरी कथा है, समय आपका हो रहा है, आज यही विराम लूंगा।